हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं अवार्ड एंड ऑनर्स के अंतर्गत झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन अवार्ड 2021 के संबंध में। तो आइए जानते हैं इस वर्ष 2021 में झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन अवार्ड किन किन खिलाड़ियों को और इंस्टीट्यूशंस को प्रदान किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन की आम बैठक रांची में 4 अप्रैल 2021 को आयोजित की गई। इस दौरान झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से विभिन्न वर्गों के लिए झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन अवार्ड स्पोर्ट्स पर्सन, कोच और इंस्टीट्यूशंस को प्रदान किए गए हैं। विभिन्न खेलों में उत्कृष्टता एवं कार्य के आधार पर ये अवार्ड खिलाड़ियों को बांटे गए हैं। दोस्तों इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुमराय टेटे को प्रदान किया गया है, जो हॉकी की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आप जानते हैं झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन अवार्ड 2021 किन किन लोगों को दिया गया है। दोस्तों सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला वर्ग में यह पुरस्कार तीरंदाज मधुमिता कुमारी को दिया गया है। वहीं पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार एथलीट रामचंद्र सांगा को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बालिका वर्ग में कोमोलोका बारी तीरंदाज को और साथ ही सुमति कुमारी जो कि प्रसिद्ध फुटबॉलर है उनको प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बालक वर्ग में धीरज कुमार पहाड़ी को जो कि एथलीट है। सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक टीम महिला वर्ग में प्रतिमा बर्वा को हॉकी के लिए। सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक पुरुष वर्ग में आदम होरो को हॉकी के लिए। सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक व्यक्तिगत महिला वर्ग में तीरंदाज पूर्णिमा महतो को और सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक व्यक्तिगत पुरुष वर्ग में विनोद कुमार सिंह को जो कि एथलीट रहे हैं उन्हें प्रदान किया गया है। दोस्तों आइए और भी जानते हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य खेल संघ का पुरस्कार झारखंड एथलेटिक्स संघ को प्रदान किया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ जिला ओलंपिक संघ का पुरस्कार धनबाद जिला ओलंपिक संघ को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ खेल प्रोत्साहन अवार्ड झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी रांची को प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ स्कूल खेल प्रोत्साहन प्राइवेट क्षेत्र में विवेकानंद विद्या मंदिर धुरवा रांची को। सर्वश्रेष्ठ स्कूल खेल प्रोत्साहन पुरस्कार गवर्नमेंट श्रेणी में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सिल्ली रांची को और खेल प्रोत्साहन के लिए सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का पुरस्कार रांची विश्वविद्यालय रांची को प्रदान किया गया है। दोस्तों इसके अलावा खेल प्रोत्साहन के लिए ऐतिहासिक पहल पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार को प्रदान किया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ खेल पत्रकार अर्थात स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट चंचल भट्टाचार्य को भी प्रदान किया गया है। कोविड के दौरान खेल प्रोत्साहन के लिए विशेष पुरस्कार मनोज कोनबेगी को जो कि हॉकी सिमडेगा से हैं और हॉकी खिलाड़ी हैं और साथ में आशु भाटिया को बोकारो से जो कि एथलीट हैं उन्हें प्रदान किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुमराय टेटे को हॉकी के लिए प्रदान किया गया है। दोस्तों इसके अलावा ओलंपियन को भी सम्मानित किया गया है। ओलंपियन रीना कुमारी हरभजन सिंह आनंद मेनजेज को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया है। इनके अलावा ओलंपियन सिल्वानुस डुंगडुंग मनोहर टोपनो निक्की प्रधान दीपिका कुमारी मंगल सिंह चंपिया जयंत तालुकदार लक्ष्मी रानी मांझी दिवाकर प्रसाद एएल लकड़ा इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके, इस कारण उनके प्रतिनिधियों को इस सम्मान से मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।